ऐसा क्या होता है कि डिंपल सिंह पवन सिंह से दूरी बना लेती है? पवन सिंह से ही नहीं, पवन सिंह के टीम से ही दूरी बना लेती है, सिर्फ ज्योति सिंह के आते ही, जबकि वो हमेशा स्टेज पे जीजू और साली का रिश्ता दिखाते नजर आई है। और पवन सिंह ने भी कितनी दफा कहा है कि तू हमारा नाजायज साली हो, और ये भी जीजू जीजू कहते थकती नहीं है। लेकिन ज्योति सिंह के आते ही डिंपल सिंह का जाना, ये बात लोगों को समझ में नहीं आया। खैर, डिंपल सिंह इनसे अलग होने के बाद भी कई दफा इंटरव्यू दी और उसमें ये कहा कि पवन सिंह का श्रेय बहुत है मेरे जीवन में और मैं जो कुछ भी हूँ अच्छा कर रही हूँ उनके ही बदौलत है, अगर जरूरत पड़ा तो मैं उनके लिए जान दे सकती हूँ। तो सवाल ये उठता है कि चुनाव में सारे लोग भोजपुरी के, मतलब पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच में इतना विवाद हुआ, इतना मतलब वाद विवाद होने के बावजूद भी खेसारी लाल पवन सिंह के पक्ष में आके उनका पर प्रचार किए चुनाव में, मतलब बड़ा से बड़ा स्टार भोजपुरी के सारे लोग, तमाम कलाकार गए, कोई जाति धर्म, कोई सीनियर कोई जूनियरिटी नहीं, लेकिन सिर्फ डिंपल सिंह क्यों नहीं गई, सवाल ये उठता है। और इसके बाद सिर्फ ज्योति सिंह के आने के बाद ऐसा हुआ, ज्योति सिंह के जितने दिन नहीं थे उतना दिन डिंपल सिंह दिखती थी, पवन सिंह डिंपल सिंह, लेकिन ज्योति सिंह के आने के बाद पवन सिंह और डिंपल सिंह के बीच में पता नहीं क्यों दूरी हो गया, दूरी किसने बनाया। लेकिन डिंपल सिंह अभी कुछ दिन पहले हालिया में इंटरव्यू के दौरान कहा कि पवन सिंह जी मेरे लिए आदर्श हैं, पवन सिंह ये हैं, पवन सिंह टिमकाना है, पवन सिंह ये हैं, वो सब कुछ कह रही थी। लेकिन भाई चुनाव में क्यों नहीं प्रचार प्रसार की? अगर आप जो जान दे सकता है कि अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को, अगर कुछ हुआ भी होगा तो क्या वो सेल्फ रेस्पेक्ट को उधर रख के क्या वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकती? जिसके लिए जान देने की बात कर रही है, जिसके लिए अपना जीवन का श्रेय दे रही है, अपने उपलब्धि का श्रेय दे रही है, तो वो अपना इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकती है ना भाई साहब, कि उस वक्त उस शख्स को सबकी जरूरत है इस टाइम, तो मैं जाके प्रचार कर दूं। जैसे वो निर्दलीय उम्मीदवार थे, आप निर्दलीय जाके प्रचार कर देते, आप पवन सिंह के गिरोह में नहीं जाते, पवन सिंह के टीम में नहीं जाते, पवन सिंह के साथ नहीं जाते जुलूस रैली में, आप अकेले जाके प्रचार कर देते, या फिर उस मंच पे चले जाते पवन सिंह के जहाँ पे जन महासभा हुआ था, क्या पता फिर से नजदीकी हो जाता। तो ये सवाल है, लोग टिमटिमाते हैं, स्टार इसीलिए कहलाते हैं, ये सब टिमटिमाते हैं लोग अपनी जरूरत, अपनी इच्छा और अपनी हसरत को पूरा करने के लिए टिमटिमाते हैं आगे पीछे स्टार के ये लोग। तो ये बात समझ में नहीं आती है और हर कोई की जुबान पे ये बात था कि भाई डिंपल सिंह क्यों नहीं नजर आती है, क्यों नहीं नजर आ रही है। और डिंपल सिंह का इधर का इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है कि पवन सिंह के बारे में जो पॉजिटिव ही बोली है, निगेटिव नहीं बोल रही है, लेकिन हाँ बार बार कह रही थी झमकौला से हुई ई ना हुई, तो मतलब जरूर उनके मन में कुछ तो है, लेकिन वो राज सिर्फ उन्हीं के पास है और पवन सिंह की टीम में है। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है, डिंपल सिंह और पवन सिंह का जोड़ी आप लोगों को कैसा लगता था? खैर गाने के अंदर तो बहुत दोनों की जोड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन लोग निजी जीवन में भी उनके साथ जैसे इवेंट वगैरह में हर जगह देखना लोग चाहते थे, वैसे हर कोई ऑडियंस चाहता है और हम लोग भी चाहते हैं, हमारी टीम भी चाहती है कि पवन सिंह और डिंपल सिंह के साथ एक बार फिर से गाना आए और लोग इंटरटेन हो पूरा। तो देखते हैं क्या होता आगे, फिलहाल अभी तो यही है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा और धुन म्यूजिक को ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे आप लोग? अभी आप देखने लगे हैं धुन म्यूजिक। डिंपल सिंह, डिंपल सिंह का तो नाम सुना होगा आपने, झमकौला से हुई। पावर स्टार पवन सिंह के टीम में कुछ महीनों पहले थी, हर जगह दिखती थी, चाहे वो इवेंट हो, गाना हो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या फिर वगैरह वगैरह, मतलब हर जगह छाई रहती थी डिंपल सिंह। और ये कहते थकती नहीं थी, झमकौला से हुई, कि मैं जो भी हूँ पवन सिंह की बदौलत हूँ, मैं पवन सिंह को बहुत इज्जत करती हूँ, पवन सिंह के लिए जान भी दे सकती हूँ, और पवन सिंह के ही बदौलत आज तक मैंने जीवन में अच्छा काम किया है और इतना ऑडियंस का प्यार पाने के लिए उनका बहुत श्रेय है। ये तो कुछ महीने पहले हमेशा कहते रहती थी, इंटरव्यू हो, इवेंट हो, या हर जगह कहती थी। लेकिन इधर जब चुनाव का दौरा हुआ और चुनाव दौरा से पहले जब ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते सुधर गए, तो फिर ज्योति सिंह के आने के बाद डिंपल सिंह एकदम किनारे पकड़ ले।